दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे इनफिनिक्स हॉट 25G स्मार्टफोन को सैमसंग गैलेक्सी F23 5G स्मार्टफोन के साथ में और आपको बताएंगे कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आखिर कौन सा वाला आपकी नीड के अकॉर्डिंग ज़्यादा बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर हमें 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर कंटेंट वॉचिंग और गेमिंग दोनों के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है क्योंकि 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट स्मूथली वाली गेमिंग हमें करवा देगा। और अगर दोस्तों मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम की तो यहां पर इन्फिनिक्स का फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है जो कि XOS 10.6 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग का फोन भी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है जो कि One UI 4.1 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में तो दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं, लेकिन यार अगर हमें UI में से किसी एक को चूज करना हो ना तो यार जो सैमसंग के अंदर हमें One UI दी गई है ना भाई बढ़िया UI है। और अब बारी आती है दोस्तों चिपसेट की। तो यहाँ पर इन्फिनिक्स के अंदर हमें Dimensity 8105G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 750G 5G चिपसेट दिया गया जो कि 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वैसे तो दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ पर दोनों चिपसेट बढ़िया हैं, लेकिन यार अगर हमें फिर भी किसी एक को चूज करना हो ना स्पेशली गेमिंग वगैरह के लिए तब आप यहाँ पर इन्फिनिक्स की तरफ जरूर से जाइए क्योंकि ये जो डायमेंसिटी 810 है ना भाई बढ़िया चिपसेट है, गेमिंग आपको अच्छे वाली करवा देगा। और अब बारी आती है दोस्तों बैक कैमरा सेटअप की। तो यहाँ पर इन्फिनिक्स के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया, वहीं दूसरी तरफ सैमसंग के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फिनिक्स की। तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का और एक AI लेंस दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। और दोस्तों सही बता रहा हूं बैक कैमरा सेटअप के मामले में ना यहां पर सैमसंग का फोन ही विनर है क्योंकि काफी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं कैमरा सेटअप को। तो इस मामले में तो भाई बढ़िया ही है सैमसंग का कैमरा सेटअप। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप यहां पर इन्फिनिक्स के बैक कैमरा से 2K तक कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ सैमसंग के बैक कैमरा से मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अब बारी आती है दोस्तों फ्रंट कैमरा की। तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट में हमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। यानी कि भाई आपको एक एवरेज सा कैमरे देखने को मिल जाता है दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट में। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर इन्फिनिक्स के फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 2K तक कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ सैमसंग के फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अब बारी आती है दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आते हैं, यानी कि भाई 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आपको आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। और अगर मैं बात करूं यहां पर फास्ट चार्जिंग की तो इन्फिनिक्स का फोन यहां पर 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ सैमसंग का फोन 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों एक और जरूरी बात, मोबाइल बॉक्स के अंदर आपको चार्जर नहीं मिलेगा भाई, सैमसंग भैया चार्जर नहीं दे रहे हमें। इस हिसाब से भाई यहां पर इन्फिनिक्स का फोन ही बेस्ट है, बेशक 18 वोल्ट है लेकिन चार्जर तो मिल रहा है हमें। और दोस्तों अगर मैं बात करूं नेटवर्क कनेक्टिविटी की तो दोनों स्मार्टफोन यहां पर 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, साथ ही दोनों स्मार्टफोन यहां पर 12 5G बैंड को सपोर्ट करते हैं। यानी कि भी ट्रूली 5G फोन है यहां पर दोनों ही, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको 5G बैंड्स में। और अगर मैं बात करूं यहां 3.5mm जैक की तो हमें इन्फिनिक्स फोन के अंदर दिया गया है, लेकिन भाई सैमसंग भैया ने हमें 3.5mm जैक नहीं दिया है, पैसे बचाए हैं यहां पर इन्होंने। और साथ ही अगर मैं बात करूं स्पीकर की तो दोनों स्मार्टफोन यहां पर सिंगल स्पीकर के साथ में आते हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों स्मार्टफोन के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी दिया गया है। और अब लास्ट में बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग की। तो आपको बता दूं कि इन्फिनिक्स फोन के 4+64GB वेरिएंट की कीमत है 12,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ सैमसंग फोन के 4+128GB वेरिएंट की कीमत है 16,000 रुपए। बाकी दोस्तों पसंद आपकी है कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से किस वाले को बाय करना है, इन्फिनिक्स को या सैमसंग को कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना इन दोनों स्मार्टफोन के लिए तो देखिए दोस्तों अगर आप सैमसंग लवर है फिर तो भाई आप सैमसंग की तरफ जरूर से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया स्मार्टफोन है। लेकिन दोस्तों अगर आप कम प्राइस पे एक अच्छा फोन चाहते हैं जिसमें आप गेमिंग बढ़िया वाली कर पाए, डिस्प्ले भी आपको अच्छी मिले, हाँ यार कैमरा सेटअप से आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको चार्जर भी इन द बॉक्स चाहिए, तब आप यहां पर भाई डेफिनेटली इन्फिनिक्स की तरफ ही जरूर से जाइए क्योंकि वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन में ऐसे कह सकता हूं भाई। तो बस दोस्तों यही था मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए। और अगर आप इन दोनों में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। साथ ही स्मार्टफोन रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखने के लिए हमारे चैनल गैजेट्स पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।